हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेनी। यू आर लिसनिंग टू विवेक गुप्ता। गाइस, आज का जो वीडियो है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके सब डिपार्टमेंट्स के बारे में। और अगर आप एम फॉर्म, बी फॉर्म, डी फॉर्म या बीएससी या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज बने रहिए अंत तक एंड लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि भारत की टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी हैं। अभी आपने देखा कि भारत की टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी हैं। अब देखते हैं कि ये अंदर से कैसी दिखती हैं और इनके अंदर कैसे काम होता है। गाइस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये ऐसी इंडस्ट्री है कि इनमें कोई भी व्यक्ति अपना कैरियर बिल्डअप कर सकता है। ये कंपनियां सबको साथ में लेकर के चलती हैं, चाहे वो एम फार्म का हो, चाहे वो बी फार्म का हो, चाहे डी फार्म का हो, चाहे बीएससी, चाहे इंजीनियरिंग। यहां पर सभी की जरूरत पड़ती है और हर व्यक्ति अपना कैरियर यहां पर बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, काफी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में। गाइस, मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी को 2 डिपार्टमेंट्स में बांटा है, जिसमें अलग अलग जो ग्रेजुएशन के बंदे होते हैं वो काम करते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में आ जाते हैं एम फॉर्म, पीएचडी, बी फॉर्म, डी फॉर्म, ये बंदे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में आ जाते हैं, और आपके इंजीनियरिंग के बंदे और आईटी सेक्टर के बंदे भी इसमें आ जाते हैं। और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की बात करें तो उसमें आपका एमएससी, बीएससी, आईटीआई और कैजुअल वर्कर्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके कोर डिपार्टमेंट्स कौन से हैं। गाइस, इसको 4 सेगमेंट में मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है। नंबर 1 पर आता है अपर सेगमेंट, नंबर 2 पर आता है मिडिल सेगमेंट, नंबर 3 पर आता है लोअर सेगमेंट और नंबर 4 पर आता है न्यू सेगमेंट। तो बात करते हैं कि अपर सेगमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। नंबर 1 पर आता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नंबर 2 पर आता है F&D, फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। नंबर 3 पर आता है RA, रेगुलेटरी अफेयर्स। नंबर 4 पर आता है CRA, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। और नंबर 5 पर आता है फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट, और इसमें भी PDL डिपार्टमेंट भी शामिल है। तो अब बात करते हैं कि मिडिल सेगमेंट की, जिसको हम कोर सेगमेंट के नाम से भी जानते हैं। गाइस, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आपके ग्रोथ के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पर आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नंबर 2 पर आता है क्वालिटी कंट्रोल और नंबर 3 पर आता है क्वालिटी एश्योरेंस। अब बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 2 सब डिपार्टमेंट हैं। नंबर 1 पर आता है मैन्युफैक्चरिंग और नंबर 2 पर आता है पैकेजिंग। गाइस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप अपने कैरियर को काफी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत निकलती हैं और काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि केमिकल डिपार्टमेंट हो गया, डिसोल्यूशन डिपार्टमेंट हो गया, GC डिपार्टमेंट हो गया, HPLC डिपार्टमेंट हो गया, वाटर टेस्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट हो गया, और ऐसे काफी सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, एनालिटिकल डिपार्टमेंट्स हो गया और सैम्पलिंग एड्स डिपार्टमेंट्स हो गया। गाइस, क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा है जिसमें बहुत ही ज्यादा वैकेंसी निकलती हैं एज कंपेयर टू प्रोडक्शन और QA। अब बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की, जिसमें बेसिक में आता है आपका
IPQA, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस, APQR, एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, और आपका लैब QA आता है, और डॉक्यूमेंटेशन QA आता है, और मार्केट कंप्लेंस इसमें आती हैं। अब बात करते हैं तीसरे सेगमेंट की, जिसको हम लोअर डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें आता है आपका वेयरहाउस डिपार्टमेंट। वेयरहाउस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पर केमिकल्स या इक्विपमेंट्स रखे हुए होते हैं। और गाइस, चौथे नंबर पर आता है न्यू सेगमेंट, जो आज के काफी ट्रेंड पे चल रहा है, जिसको हम मेडिकल कोडिंग या मेडिकल राइटिंग के नाम से भी जानते हैं। गाइस, ये था ब्रीफ वीडियो अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। और गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे फार्मेसी से रिलेटेड जुड़ी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। एंड गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।